दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी पर यह वीडियो सीरीज बेस्ड थी और इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। दो वीडियोस भी आ चुके हैं और उन दो वीडियोस में हमने कॉस्मॉस, उसका ओरिजिन, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जिसमें कि जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, हालांकि वो फेल हो गए थे लेकिन फिर भी उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई, और बिग बैंग थ्योरी, इसके अलावा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो अलग अलग थे, खासतौर पर बिग बैंग थ्योरी के प्रैक्टिकल को लेकर, वो सब किए। और बिग बैंग थ्योरी का प्रैक्टिकल क्या था? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिससे कि हमने एक नया पार्टिकल खोज निकाला जिसे कि हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसान, उसकी चर्चा हो चुकी है। पीछे के जो वीडियोस हैं उनमें ये सब बताया जा चुका है। अब ये जो थर्ड वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पीछे के जो दो वीडियोस थे उनका जो साइज़ था वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम था, थोड़े ज़्यादा छोटे बन गए थे। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के वीडियो भी अच्छे नहीं होते और बहुत ह्यूज वीडियो भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। छोटे वाले शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं और जो बड़ा वाला है वो ख़त्म ही नहीं होता। तो अब जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो नॉर्मल साइज़ के होंगे। पीछे छोटा बनाने का रीज़न ये था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नहीं बनाया जा सकता था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आगे बढ़े इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें UPPSC, MPPSC और BPSC द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, UPSC वाली, उसके लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। और ये सभी कोर्सेज चल रहे हैं वर्तमान में टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम ऐप में आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे दिए गए जो दो मोबाइल नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट करने से प्राप्त हो जाएगी। आप फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर बात करें तो उसमें टेलीग्राम पर ही वनली UPPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से एक चैनल चलता है, उसे आप अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप हमसे टच में रहेंगे और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी नोटिफिकेशन है, इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल वहाँ दिया जाएगा वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी चैनल चल रहे हैं और उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं वो सभी फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे। आप उसे देखिए, उससे नोट्स बनाइए, उसका जो ऑडियो होता है उसको भी सुना करिए और उससे भी नोट्स बना सकते हैं। सारी चीज़ें PDF में लिखी नहीं जाती, कुछ चीज़ें बोल कर एक्सप्लेन की जाती हैं, यही तो लेक्चर होता है। सब चीज़ें अगर लिख कर दे दी जाएंगी तो लेक्चर का मज़ा नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन जो होती है वो अलग होती है, कहीं भी आप देखिएगा। तो आप दोनों को सुनकर और देखकर नोट्स बना सकते हैं, ये आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, शेयरिंग करने से वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। तो चलते हैं आगे। पहले वीडियो में एक कमेंट आया था, उसमें कहा गया कि आपने जो पीछे डॉपलर इफेक्ट बताया है उसमें रेड शिफ्टिंग क्या होती है, जो अर्थ के रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम की बात कही गई है वो सब क्या है, उसे ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए वो उन्होंने कहा क्या ये तो मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन जितना मुझे लगा उससे ये बात सामने आई कि डॉपलर इफेक्ट को थोड़ा और डिफाइन कर देना चाहिए। उसमें जो शिफ्ट होता है, कैसे पता चलता है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं या हमारे पास में आ रही हैं, तो वो यहाँ बताया जा रहा है। और भी कुछ पूछना रहा करें, मतलब इस लेक्चर से जुड़ा हुआ, बाहर का नहीं, तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें अटैच कर दिया जाएगा, उसे बता दिया जाएगा। देखिए गैलेक्सीज से आने वाली जो लाइट होती है, गैलेक्सीज की भी अपनी एक लाइट होती है, और लाइट होगी तो उसके अंदर स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे जो 7 रंग होते हैं उनसे जो प्रकाश है, लाइट है, उसका स्पेक्ट्रम बनता है। उसमें वायलेट से शुरू होता है और रेड तक जाता है। तो डॉपलर स्केल पर, डॉपलर स्केल एक पैमाना होता है, उस पर जब रेड कलर की ओर शिफ्टिंग होने लगती है, ये जो लाइट है गैलेक्सीज से आने वाली जो लाइट है इसको जब हम डॉपलर स्केल के थ्रू देखते हैं तो उसमें जब रेड कलर की ओर शिफ्टिंग दिखाई देती है, यानी उस तरफ विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम ये मानते हैं कि जो गैलेक्सीज है वो अर्थ से दूर जा रही हैं, उनकी जो दूरी है वो बढ़ रही है। और अगर वायलेट कलर की ओर शिफ्टिंग होने लगती है तो ऐसी कंडीशन में हम मानते हैं कि जो गैलेक्सीज है वो पृथ्वी के नज़दीक आ रही हैं और पास में सटी आ रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो वायलेट शिफ्टिंग है वो वर्तमान में नहीं हो रही है, अभी प्रेजेंट टाइम में रेड शिफ्टिंग हो रही है, और इसीलिए हमने कहा कि जो यूनिवर्स है वो निरंतर एक्सपेंड हो रहा है, मतलब उसका प्रसार हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है। तो ये कुछ बात थी डॉपलर इफेक्ट के बारे में, ज़्यादा यहाँ डीप में नहीं क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है, ये ज्योग्राफी है। आगे चलते हैं। हमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूज़न का जो प्रोसेस है वह हाइड्रोजन एटम्स के साथ होने लगता है और जो न्यूक्लियस है उनका वो आपस में अटैच होने लगता है, जुड़ने लगता है, जिससे हीलियम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। रिजल्टेंट के तौर पर इनामरस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रकार से बनते हैं स्टार्स।
अब इन स्टार्स की भी अपनी एक एज होती है, इनकी अपनी एक उम्र होती है, ये भी बूढ़े होते हैं और मरते हैं जैसे हम इंसान। अब जब तक इनका फ्यूल चलता है तब तक इनकी जो इनका इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस है, फ्यूज़न मतलब जुड़ना, जिसे कि आप हिंदी में संलयन कहते हैं, जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर यही फ्यूज़न चलता रहता है और एक बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न का प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि इनके अंदर फ्यूल होता है, लेकिन जब फ्यूल फिनिश होने के कगार पे होता है, उसका जब फिनिश होने का टाइम आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टार है वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज रेड जाइंट। रेड जाइंट इसको क्यों कहा गया, ये स्टार की कौन सी कंडीशन है जिसको देख कर कह दिया गया कि ये रेड जाइंट है। जाइंट मतलब क्या, दैत्य, यानी दिखने में बहुत भयानक लगता है, बड़े आकार का होता है, और रेड मतलब लाल, तो ऐसा क्यों कहा गया। तो ये बताइए कि आपने कभी आग जलाई है, लकड़ी और कोयले वाली आग, वो गैस वाली नहीं कि आपने नोब ऑन की चूल्हे की और उसमें बर्नर में आपने लाइटर को सटा दिया। आजकल ऐसे भी जलने वाले चूल्हे होते हैं तो फ्लेम जो है वो आपको दिखाई देने लगी, वैसी वाली नहीं। लकड़ी और कोयले वाली जो आग होती है उसको जब आप जलाएंगे तो शुरुआत में जो फ्लेम है वो काफ़ी हाई होती है, बहुत तेज गति से ऊपर उठती है, कि जितना ईंधन है उसी के हिसाब से फ्लेम होगी, लेकिन फिर भी तेज गति से प्रज्वलित होती है। और जैसे जैसे फ्यूल खत्म होने लगता है, लकड़ी या कोयला समाप्त होने लगता है, वैसे वैसे फ्लेम जो है वो नीचे आने लगती है, लो होने लगती है, और अंत में अंगारे बचते हैं, अंत में अंगारे शेष बचाते हैं, और उसके बाद यही अंगारे बुझकर राख बन जाते हैं। तो ये अंगारे वाली जो कंडीशन है ठीक यही अवस्था है रेड जाइंट की, मतलब रेड जाइंट वाली सिचुएशन में भी, इस फेज में भी स्टार के साथ यही होता है, स्टार अंगारे में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसका जो फ्यूल है वो फिनिश हो रहा होता है और इस अवस्था में वो फूल जाता है, उसका जो साइज़ है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, और बड़े साइज़ के कारण उसे जाइंट कहा जाता है, और चूंकि उसका कलर रेड होता है इसलिए उसे रेड जाइंट कहते हैं। आमतौर पर हम लोगों की इमेजिनेशन होती है कि जो जाइंट्स होते हैं वो बड़े साइज़ के ही होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, दिखने में बड़े डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार है वो देखने में भयानक लगता है इसलिए उसे जाइंट कहा गया, और कलर आप जानते ही हैं रेड हो जाता है। ये थे रेड जाइंट, लेकिन प्रोसेस यहीं पर रुकता नहीं है, ये जो फेज है ऐसा नहीं कि यहीं पर सब कुछ स्टॉप हो गया, इसके आगे भी प्रोसेस चलता है। आगे जो भी होगा, मतलब स्टार का जो भी फ्यूचर होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका इनिशियल मास कितना है, उसका जो इनिशियल मास है वो कितना है। और इस प्रोसेस में स्टार के कोर की जो हीलियम होती है, हमने देखा कि हीलियम यहाँ पर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो हीलियम का कन्वर्जन होने लगता है किसमें, कार्बन में, और फिर कार्बन का कन्वर्जन होने लगता है हैवी मेटल्स में। यही जो हीलियम है ये पहले कार्बन में कन्वर्ट होती है और कार्बन फिर हैवी मेटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कोर में चलता है, स्टार के जो केंद्र होता है वहाँ पर चलता है। रिजल्ट क्या होता है, जब इस तरह का प्रोसेस चलेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, सिकुड़ने की प्रक्रिया होगी और डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और एक एक्सप्लोजन हो जाता है, एक बूम हो जाता है, जिसे कि हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये और कुछ नहीं है, ये स्टार के फिनिश होने का प्रोसेस है। इसमें हैवी मेटल में बदलने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी में एक एक्सप्लोजन होता है और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। सुपरनोवा का आपने फिगर देखा होगा। फिलहाल सुपरनोवा एक्सप्लोजन की जो घटना होती है वहाँ भी ये प्रोसेस रुकता नहीं है, आगे भी कुछ होता है। तो आगे की जो कहानी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि स्टार का जो मास है वो 1.4 ms से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर है, या लेस है। अगर ग्रेटर हुआ, 1.4 ms क्या है ये हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इससे ग्रेटर हुआ, इससे बड़ा हुआ, तो जो स्टार है वो पहले न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और उसके बाद ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इससे कम हुआ, मतलब इससे लेस हुआ, तो ऐसी कंडीशन में स्टार का जो फ्यूचर है वो वाइट ड्वार्फ का होगा, या फिर उसी को हम कहते हैं फॉसिल स्टार। अब क्वेश्चन ये है कि 1.4 ms क्या है, तो 1.4 तो एक नंबर है, लेकिन ms का मतलब है मास ऑफ सन, m फॉर मास और s फॉर सन, तो ये सूर्य का मास है। सन के मास जितने, या ये कह लीजिए कि सन के सरीखे उसी के जैसे, या उससे लेस, मतलब उससे कम मास वाले जितने भी स्टार्स होते हैं उनका फ्यूचर वाइट ड्वार्फ का होता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉबेबली हमारा जो सन है वो भी फ्यूचर में वाइट ड्वार्फ ही बनेगा। जब वो बूढ़ा होगा और मरेगा तो उसका जो अंत है वो वाइट ड्वार्फ के तौर पे होगा। सन से ज़्यादा मास वाले जितने भी स्टार्स हैं उनका प्रायः जो फ्यूचर है वो पहले तो न्यूट्रॉन स्टार वाला, और बाद में जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो ऐसे में वो ब्लैक होल बन जाते हैं, और ब्लैक होल बनकर वो यूनिवर्स में डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। वो तभी अपीयर होते हैं या विजिबल होते हैं जब
वो किसी चीज़ को निगल रहे होते हैं, खासतौर पे किसी स्टार को निगल रहे होते हैं, तो वो जो निगला जाने वाला स्टार होता है उसकी लाइट में ब्लैक होल दिखाई पड़ता है, और तभी जो साइंटिस्ट हैं वो उसकी पिक लेते हैं और वो पिक हम इंटरनेट के जरिए देखते हैं या किताबों में देखते हैं। तो ये कुछ बात थी, यहाँ यमएस का मतलब है मास ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन यही अंत नहीं होता, उसका जो समापन है वो यही नहीं होता। 1.4 ms ये एक लिमिट है स्टार के लिए, एक लिमिट बनाई गई कि आप इसे क्रॉस करोगे तो ब्लैक होल बनोगे और इसके अंदर रहोगे तो वाइट ड्वार्फ बनोगे। तो क्रॉस करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आप ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फिलहाल ये जो लिमिट है इसे चंद्रशेखर मास लिमिट के नाम से जानते हैं, इस लिमिट का नाम है चंद्रशेखर मास लिमिट, यहाँ आप इसे PDF में देख सकते हैं। चंद्रशेखर रेंज भी कहा जाता है, चंद्रशेखर मास लिमिट भी कहा जाता है। इसे देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और वो महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के नेफ्यू थे। ये भारतवंशी थे, इनकी जो वंशावली थी वो भारत की थी, लेकिन इनकी जो सिटीजनशिप थी वो अमेरिकन थी, और इन्हें भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम तो आप जानते ही हैं, रमन इफेक्ट आपने सुना होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके लिए उन्हें भी नोबेल मिला था। तो इनका जो पूरा खानदान था वो नोबेल में इन्वॉल्व है। ऐसे ही आपने मैडम क्यूरी को देखा होगा। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में चर्चा हो चुकी है, इसके बाद ये देखिए ब्लैक होल का यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ब्लैक होल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो अ बॉडी विथ अ मास ऑफ हाइएस्ट डेंसिटी, यहाँ जो ये वर्ड है इस पर ध्यान दीजिएगा, हाइएस्ट डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जो कि हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेगा। ब्लैक होल कुछ भी खाने और पचाने में सक्षम होता है, और आपने पीछे देखा है कि हर गैलेक्सी के बल्ज पे एक ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से वो अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण में, अपनी इंटेंस ग्रेविटी में, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज आसपास की होती हैं उनको बांध कर रखता है, अपने सर्कुलम स्टेंस में बांध कर रखता है, उन्हें भागने नहीं देता। इस प्रकार से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये ब्लैक होल जो है इसका कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन व्हीलर, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। हालांकि चंद्रशेखर मास लिमिट में भी ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, कोई स्टार कैसे ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है ये बात वहाँ कही गई है, लेकिन उसे बकायदा एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है वो जॉन व्हीलर के द्वारा किया गया है, इसलिए ये क्रेडिट इन्हीं के जिम्मे आता है। यहाँ तक बात होती है स्टार के फ्यूचर की। अब हम देखेंगे कि नासा ने कौन सी डिस्कवरी कर दी जिसकी वजह से उसका इतना नाम हो गया। तो नासा ने एक डिस्कवरी की जिसका नाम है केपलर 444। ये है क्या? तो ये एक ओल्डेस्ट स्टार है, नासा के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया है। इसका नाम है केपलर 444 और ये ओल्डेस्ट स्टार है, मतलब सबसे बूढ़ा है। और भी कुछ डिस्कवरीज हैं, नासा जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, हालांकि हमारा जो इसरो है वो भी पीछे नहीं है। तो नासा ने एक लॉन्चिंग की, और ये लॉन्चिंग किस चीज़ की थी? तो न्यूट्रॉन मिशन की लॉन्चिंग थी, और ये दुनिया का पहला था। इसका नाम था नाइसर, और इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जो व्हीकल ले जाते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सिर्फ मिशन का नाम आप मत याद रखिए, उसके साथ जो व्हीकल है उसको भी याद रखिए, व्हीकल किस तरह का था, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो फाल्कन 9 नाम का रॉकेट था, और उससे ये नाइसर नाम का जो मिशन है जो कि न्यूट्रॉन मिशन था, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ तक हमने नासा की डिस्कवरीज को देखा, अब देखते हैं सोलर सिस्टम को। हमारा सोलर सिस्टम और इसके अलावा जितने भी सोलर सिस्टम और हैं उनकी भी यहाँ पे बकायदा चर्चा होगी। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो मेन है, जो हेड है, वो कौन है? सन है, और उसके अराउंड जो 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, वो सन की ग्रेविटी में फंस गए रहते हैं। इसके अलावा इन प्लैनेट्स की ग्रेविटी में भी कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो फंस जाती हैं, जिन्हें कि हम सैटेलाइट कहते हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं, यहाँ इनका नंबर दिया है 172, तो ये अब इंक्रीज़ हो चुका है क्योंकि अब जुपिटर और सैचुरन के नए खोजे जा चुके हैं, नए सैटेलाइट्स की खोज हो चुकी है, और उसके द्वारा हमें ये पता लगा है कि सैचुरन के पास मैक्सिमम है, इससे पहले ये जो तमगा था ये जुपिटर के पास था। तो इस तरह की नई इन्वेंशंस हो चुकी हैं, तो इसे अपडेट कर लेंगे। इसके अलावा सोलर सिस्टम में, जो सोलर सिस्टम होता है इसमें और भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लैनेट और स्टार ही हुआ, इसमें कॉमेट्स होते हैं, मीटर्स होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, ये सब चीज़ें भी पाई जाती हैं, और इनका जो ज्वाइंटली कॉम्बिनेशन है, एक पूरा संगठन है, वो कहलाता है सोलर सिस्टम। ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ सन की ग्रेविटी में फंस गई रहती हैं, वो भाग नहीं पाती हैं, और मजबूरन उनकी मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है, चक्कर लगाने लगती है। अब दिसंबर 2017 में नासा ने एक डिस्कवरी की। ये डिस्कवरी किस चीज़ की थी? एक नया सोलर सिस्टम खोजा गया।
हमारा जो सोलर सिस्टम है वैसा ही मिलता जुलता एक सोलर सिस्टम खोजा गया जो कि हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे जैसा ही है। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 8 प्लैनेट ही हैं, 8 प्लैनेट्स यहाँ भी पाए जाते हैं जो कि केपलर 90 नाम के एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। केपलर 90 एक स्टार का नाम है जिसके चारों ओर ये प्लैनेट रिवॉल्यूशन करते हैं। ये जो केपलर 90 है ये हमारे सन के जैसा ही स्टार है और इस पूरे सोलर सिस्टम की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारी अर्थ से। यहाँ आप इसकी डिस्टेंस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्टेंस है। लाइट ईयर में जब डिस्टेंस होती है तो इसका मतलब है कि हम खगोलीय दूरियों को, जो एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको नाप रहे हैं। यहाँ तक हमने सोलर सिस्टम को देखा, अब सोलर सिस्टम के जो चीफ हैं यानी जो फादर हैं उन्हें देखेंगे, मतलब हम सन को देखने वाले हैं। देखिए, द सन इज द ओरिजिनेटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का जन्मदाता है। इसका ओरिजिन मतलब हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन यहीं से हुआ है, सन के जरिए ही हुआ है। तो जो जन्म देता है उसे जनक कहा जाता है, यानी ये हमारे सोलर सिस्टम का फादर है। अगर ये फीमेल होता तो इसे हम मदर कहते, लेकिन ये मेल है इसलिए हम इसे फादर कहेंगे। जो एनर्जी और लाइट प्रोवाइड कराता है, इसके द्वारा हमें एनर्जी और लाइट दोनों ही मिलते हैं। और हमने पीछे देखा है कि जो सन की एनर्जी है उसका मेन सोर्स न्यूक्लियर फ्यूज़न है। स्टार्स इंक्लूडिंग सन, सभी की पहले ही सफिशियंट अमाउंट में एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की चर्चा नहीं करेंगे। हम हाइड्रोजन और हीलियम को नहीं देखेंगे, हम पहले देखेंगे सोलर सिस्टम का एक अच्छा सा फिगर, एक अच्छी सी पिक्चर, और उसके बाद चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सन की ओर, मतलब सन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले आइए पिक को देख लेते हैं और उसके बाद तब स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि एक जैसी चीज़ देखते देखते आप भी बोर हो जाते हैं, तो आइए कुछ मजा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बीच में आपको एक बड़े साइज का हमारा सन दिखाई दे रहा है और ढेर सारे प्लैनेट आपको दिख रहे हैं। ढेर सारे नहीं है, कुल मिलाकर कितने हैं, 8 है। इनकी जो टोटल नंबर है वो कितनी है, 8 है। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इसके अलावा जुपिटर है, सैचुरन है, यूरेनस है और नेपच्यून है। और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए अनेकों सेलेस्टियल बॉडीज इसमें दिख रही हैं। ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। इसमें जो हेड है वो सन है और इसके चारों ओर ये अलग अलग ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं, मरकरी से लेकर नेपच्यून तक। इसका जो एनर्जी का सोर्स है वो ये है सन, जो कि एक स्टार है, और ये सब प्लैनेट हैं। स्टार और प्लैनेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्टार्स के पास अपना एक पूरा सिस्टम होता है जिसके द्वारा वो, मतलब उनके पास अपना फ्यूल होता है जिससे कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, अपने भी रोशनी पाते हैं और दूसरों को भी देते हैं। प्लैनेट के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, उसके पास एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोई पावर नहीं होती, जिसकी वजह से वो एनर्जी के लिए और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए स्टार्स पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो स्लेव हैं और जो स्टार्स होते हैं वो फ्री होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो इस सोलर सिस्टम की आगे और डिटेल में चर्चा होगी, पहले जरा सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो सन है इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और इसके बारे में जो साइंटिस्ट हैं वो कौन सी कोशिशें कर रहे हैं इसे जानने की, तो आइए देखते हैं। इसका जो पार्ट, सन का जो पार्ट हमारी आईज से विजिबल होता है, मतलब हम उसे आँखों से देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। जो हिस्सा विजिबल होता है वो कहलाता है फोटोस्फीयर। और इसके अलावा सन के जो आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, मतलब सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो केवल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ही विजिबल होता है, मतलब जब सोलर इक्लिप्स होता है तब ये दिखता है। उसके अलावा ये डिसअपीयर्ड होता है और इसे हम कोरोना कहते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा होता है या पार्ट होता है वो कहलाता है कोरोना, और यहाँ कोरोना वायरस का नाम नहीं है, ये सन का एक पार्ट है, सबसे बाहरी। सन की मिस्ट्री को रिवेल करने के लिए साइंटिस्ट काफ़ी उतावले रहते हैं, ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और इसमें हम इंडियंस भी पीछे नहीं हैं। हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग अलग प्रयास करता है, तो उन कोशिशों को हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, सन जो है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। पीछे हमने जब हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट देखा था तो उसमें हमने कहा कि सन जो है वो स्टेबल है और वो पूरे यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट पे है और जितने भी और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही हैं, तो वो बात सही नहीं थी। यहाँ पर जो सन है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो भी गतिमान है और वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है, उसका रिवॉल्यूशन कर रहा है, और करीब 25 करोड़ वर्षों का ये समय लेता है एक चक्कर को कंप्लीट करने में। 25 करोड़ साल इसे लग जाते हैं एक पूरा
जो चक्कर है उसे पूरा करने में। और ये जो समय है, ये जो टाइम लिमिट है या टाइम रेंज है, इसे हम कहते हैं कॉस्मॉस ईयर। ये जो पूरा टाइम आपने देखा 25 करोड़ का, ये कॉस्मॉस ईयर कहलाता है। ये तो बात हुई सन के रिवॉल्यूशन की। और सन का जो कॉम्बिनेशन है, जो सन है उसका जो कॉम्बिनेशन है, वो केवल सॉलिड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से सॉलिड हो, बल्कि मैक्सिमम जो इसका हिस्सा है वो गैसियस है। और इसी कारण इसमें इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें इररेगुलर मोशन मिलता है, वो हमेशा गतिमान रहते हैं, क्योंकि गैस जो होती है उसकी प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है कि वो स्टेबल नहीं होती, स्थिर नहीं होती। ठोस सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो सॉलिड होते हैं। सन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो ठोस नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो अलग अलग पार्ट है उसमें इररेगुलर मोशन हमें देखने के लिए मिलता है। यही वजह है कि सन स्पॉट्स बनते हैं। और इसका जो मिडिल पार्ट है, मतलब इसके मिडिल पार्ट को, चूँकि इररेगुलर मोशन होता है तो ऐसा नहीं है कि जो पूरा का पूरा सन है वो एक साथ पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अपने एक्सिस पर। यह भी रोटेट करता है, सन भी हमारी अर्थ की तरह अपने एक्सिस पर रोटेशन करता है, तो इसका जो मिडिल पार्ट है वो रोटेशन को पहले पूरा कर लेता है। और जो पोलर पार्ट है यानी ध्रुवीय हिस्सा है, वो 30 दिन लगा देता है, यानी ज़्यादा समय में रोटेशन को कंप्लीट करता है। तो आइए देखते हैं मिडिल पार्ट कब कंप्लीट करता है। तो मिडिल पार्ट को अपना एक चक्कर, मतलब एक घूर्णन पूरा करने में, रोटेशन पूरा करने में 25 डेज लग जाते हैं। और जो पोलर पार्ट है उसे एक रोटेशन करने में अपनी एक्सिस पर 30 डेज लगते हैं। दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग है। और इसके पीछे वही रीज़न है कि इसका कॉम्बिनेशन सॉलिड नहीं है, तो इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के मोशन देखने के लिए मिलते हैं। अब सन के स्ट्रक्चर में जो पार्ट है उसमें पहला पार्ट है क्रोड। इसमें सन जो है वो अलग अलग लेयर्स से बना हुआ है, जो बीच का हिस्सा है वो क्रोड कहलाता है। इसके बाद ऊपर होती है कॉन्वेक्टिव लेयर, क्रोड के बाहर कॉन्वेक्टिव लेयर होती है। इसके बाद होता है फोटोस्फीयर, और इसके बाद फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर पाया जाता है, और उसके सबसे बाहरी हिस्से में पाया जाता है कोरोना। ये पूरा इसका साइज होता है, कई लेयर्स होती हैं। सबसे बीच में होती है क्रोड, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न और इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे जैसे हम बाहरी हिस्सों की ओर बढ़ते हैं, जो आउटर पार्ट है उनकी ओर जाते हैं, तो ये जो टेम्परेचर है इसका अमाउंट कम होता जाता है। जैसे हमारी अर्थ में भी है, हमारी अर्थ का जो सेंटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वैसे ही सन वैसे तो पूरा तप रहा है, आग का गोला है, लेकिन फिर भी जो केंद्र है उसका, जो सेंटर है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से सरफेस के। तो बीच का जो हिस्सा है वो क्रोड है, उसके बाहर आप कॉन्वेक्टिव लेयर को देखेंगे, कॉन्वेक्टिव लेयर के बाद फोटोस्फीयर होता है, फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर होता है, और सबसे बाहर होता है कोरोना, जो कि ऐसे इनविजिबल होता है। ये सिर्फ तब दिखता है जब सोलर इक्लिप्स की घटना होती है, और ये काफ़ी खतरनाक होता है, हमारी आँखों के लिए हानिकारक होता है। इसे खुली आँखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे एक्स रे प्रोड्यूस होती है, और उनका रेडिएशन हमारी आँखों के लेंस को ख़राब कर सकता है। हमारी आंखों का जो लेंस है वो ख़राब हो सकता है उससे। हमने कहा कि सन में इररेगुलर मोशन चलते रहते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स में, तो इससे बनते हैं सन स्पॉट्स। ये जो सूर्य है इसमें स्पॉट्स बनते हैं, धब्बे बनते हैं। ये सन स्पॉट्स हैं क्या, तो इसे देख लेते हैं। जो सन स्पॉट्स होते हैं वह फोटोस्फीयर पर पाए जाने वाले सन का अलग अलग पार्ट हमने देखा, तो उसमें ये फोटोस्फीयर्स पे पाए जाते हैं। ये स्पॉट जो हैं, मतलब धब्बे, ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं फोटोस्फीयर पे। और ये कोल्ड और डार्क एरिया होते हैं, ये जो पूरा सरफेस होता है उसकी तुलना में कोल्ड होते हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और ये डार्क होते हैं यानी अंधेरे होते हैं। और इसके अलावा जो सन के सरफेस का बचा हुआ लाइट वाला एरिया होता है वो कहलाता है फेकुला। जो अंधेरा हिस्सा है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, उन्हें हम कहते हैं सन स्पॉट। और जो बाकी हिस्सा है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा सूर्य जो है, पूरा जो सन है, उस पर पूरा टेम्परेचर ही कम हो जाएगा और वो पूरा अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो हिस्से, मान लीजिए ये सन है और इस पर जगह जगह ऐसे स्पॉट्स पड़ने लगते हैं, तो ये जो स्पॉट्स हैं इनका टेम्परेचर भी कम होता है और यहाँ पे जो लाइट है वो कम हो जाती है, यानी ये अंधेरे हो जाते हैं, और इन्हीं को हम सन स्पॉट कह रहे हैं। जो बचा हुआ एरिया है ये वाला, ये पूरी तरह से ब्राइटर होता है, मतलब चमकीला होता है, और इस एरिया को हम कहते हैं फेकुला, ये कहलाता है फेकुला। तो फेकुला क्या है, ये जो चमकीला एरिया है वो है, और जो छोटे छोटे धब्बे आप देख रहे हैं ये सन स्पॉट्स है, यहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से कम होता है। जब ये बनते हैं, ये हमेशा नहीं बनते, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, इनका जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय
अर्थ के लिए अच्छी कंडीशन नहीं होती, हमारी अर्थ पे मैग्नेटिक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रोम्स आते हैं और जितनी भी संचार प्रणाली है, मतलब जो कम्युनिकेशन के जरिए हैं, वो सब ठप हो सकते हैं। मैग्नेटिक वेव्स इतनी ज़्यादा हाई हो जाती हैं कि हमारे अर्थ पे जो जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम हैं उन्हें ठप करने की क्षमता रखती हैं। तो ये बनते हैं सन स्पॉट्स और ये स्टेबल नहीं होते, और सन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वही स्टेबल नहीं है, गैसियस स्ट्रक्चर है और गैसियस स्ट्रक्चर कभी भी स्टेबल नहीं होता। ये कुछ बात हुई सन स्पॉट्स के बारे में। एक चीज़ और है, वो है सोलर विंड। ये सोलर विंड क्या होती है? सोलर मतलब सन से रिलेटेड, और विंड मतलब क्या होता है? तो हवा। तो ये सोलर विंड होती क्या है? स्वाभाविक है इनका जो कनेक्शन है वो सन से होगा, फोटोस्फीयर से ये जनरेट होती है, इनका जो जनरेशन है वो फोटोस्फीयर से होता है, और ये कोरोना तक पहुंचती है, जो सन का सबसे आउटर एरिया होता है वहाँ तक जाती है। इसमें होता क्या है, ये कोई हवा नहीं होती है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक फ्लो होता है। जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सरीखे, वो यहाँ पे एक फ्लो में आगे चलते हैं, रफ्तार में आगे चलते हैं, और इसी क्रिया को सोलर विंड कहा जाता है। इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10 लाख डिग्री केल्विन से लेकर 20 लाख डिग्री केल्विन तक होता है। इनका जो टेम्परेचर है वो 10 लाख से लेकर 20 लाख डिग्री केल्विन तक होता है। ये लाख में है, याद रखिएगा। और इनकी जो यूनिट है वो केल्विन में दी हुई है। ये 10 से लेकर 20 तक की टेम्परेचर वाली होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। और इनका जो प्रवाह है, इनका जो फ्लो है, वो फोटोस्फीयर से स्टार्ट होता है और कोरोना तक जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक लहर चलती है। टेम्परेचर जो है वो 10 से 20 लाख डिग्री केल्विन है। केल्विन क्या है? ये टेम्परेचर को मीज़र करने की एक यूनिट है। और इनमें अचानक जब एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सोलर विंड जो है वो स्टेबल होती है, कभी कभी इनमें एक्सप्लोजन होता है, और ऐसी कंडीशन में सोलर फ्लेम जनरेट होती है। और ये सोलर फ्लेम भी उतनी ही डेंजरस होती है जितने की सन स्पॉट, ये भी मैग्नेटिक डिस्टरबेंस पैदा करने में सक्षम होती है। जब यह एनर्जी, ये जो सोलर फ्लेम है, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो जब यह एनर्जी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो इसे ऑरोरल लाइट का फॉर्मेशन होता है, मतलब इससे ऑरोरल लाइट बनती है। ऑरोरल लाइट क्या है? तो ये बड़ी ही खूबसूरत घटना होती है, ये खगोलीय घटना है, लेकिन देखने में बड़ी अच्छी लगती है। हम इसे नहीं देख पाते, लेकिन जो आर्कटिक वृत्त के पास वाले क्षेत्र हैं, खासतौर पर नार्वे वाला जो एरिया है, वहाँ पर ये दिखाई देती है। और वैसे ही जो दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ भी ये देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, अर्थ पे ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, आगे हम उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ी जाती है। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे वाला यानी साउथ वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। ये जो सनलाइट होती है, ये भी एक तरह की सूर्य की एनर्जी ही होती है, जो कि सोलर फ्लेम के जरिए जनरेट होती है। तो जब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो इसमें एक अलग ढंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, वो बड़ा रंगीन प्रकाश होता है। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। अलग अलग नाम से इसे जानते हैं, लेकिन होती है बड़ी खूबसूरत। चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसरो ने सन को जानने की दिशा में, उसकी डायरेक्शन में कौन कौन से काम किए हैं। तो इसरो का जो काम है वो है आदित्य L1। इसका नाम आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन आदित्य 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा L1। इसरो ने सन के आउटर पार्ट की, जो सन का आउटर पार्ट है, उसकी स्टडी के लिए आदित्य L1 नाम का एक सोलर मिशन लॉन्च किया है। और इसकी जो लॉन्चिंग थी, लॉन्च अभी हुआ नहीं है, लॉन्च प्रस्तावित है, उसकी जो लॉन्चिंग थी वो 2019-20 की रेंज में होने वाली थी, मतलब इसी टाइम पीरियड में होने वाली थी, लेकिन जो वर्तमान सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इस साल हो पाएगी। अब हो ही जाए तो अलग बात है और अच्छा ही होगा, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति चल रही है कोरोना वायरस वाली, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं दिखाई देता फिलहाल। देखते हैं क्या होता है, अभी समय बचा हुआ है। तो ये आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने वाली थी इसी टाइम पीरियड में, 1920 की अवधि में। ये है क्या? तो आदित्य जो शब्द है इसमें, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं आदित्य, इसका तो मतलब आप जानते होंगे, ये सन का सिनोनिम्स है, ये आदित्य जो है ये सन का सिनोनिम्स है। लेकिन L1 क्या है? L1 जो है वो यहाँ पर क्या है? क्या ये कोई सीक्वेंस है? तो हाँ, बिल्कुल ये सीक्वेंस ही है, और ये पहला है,
उस सीरियल नंबर में ये पहला है। लेकिन यल का मतलब क्या है? तो यल का मतलब होता है लैग्रेंजियन। ये जो यल है इसका मतलब होता है लैग्रेंजियन, और वन का मतलब है पहला। तो ये पहले लैग्रेंजियन पॉइंट पर जो मिशन है स्थापित किया जाएगा, और वहां से रहकर मतलब उसी पॉइंट पर रहकर ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा और पता करेगा कि सन के सरफेस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। लैग्रेंजियन क्या होता है, ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि सन के अंदर अपनी एक ग्रेविटी होती है, और बहुत भारी मात्रा में ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से वो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज आसपास की है उनको बांध कर रखता है, और इस प्रकार से सोलर सिस्टम बनता है। ये बात आप देख चुके हैं। लेकिन ग्रेविटी सिर्फ सन के अंदर तो होती नहीं है, ग्रेविटी जो है वो अर्थ के अंदर भी होती है। हमारी जो अर्थ है वो भी ग्रेविटी को धारण करती है, और इनफैक्ट जितनी चीज़ें जिनके अंदर भी मास होगा, एम उपस्थित होगा, उन सब के अंदर ग्रेविटी पाई जाएगी। ये बात आप जानते हैं। यहाँ आप इसे देखिए, देखिए सन जो है उसकी अपनी एक ग्रेविटी है, ये बड़ा है तो बड़े साइज का होने की वजह से ग्रेविटी ज़्यादा होगी। और हमारी जो अर्थ है कहाँ पर है, ये छोटी सी दिख रही है, दूरी बीच में है, बीच में कौन कौन है, मरकरी और वीनस है, तो उन्हें हम जाने देते हैं। बीच का, सन और अर्थ के बीच का हम डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और दोनों के अंदर ग्रेविटी मौजूद है। तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि जब ग्रेविटी इसकी ज़्यादा है, सन की ज़्यादा ग्रेविटी है, तो अर्थ जाकर उससे चिपक जाएगी, अर्थ उससे जाकर सट जाएगी। ऐसा होता नहीं है, और ना ऐसा है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों की जो ग्रेविटी है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बैलेंस होती है, संतुलन की स्थिति में होती है, और वही जो बैलेंस वाला स्थान होता है, बैलेंस वाला पॉइंट होता है, उसी को हम कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। यहाँ सन और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बैलेंस कंडीशन में होती है, दोनों ओर से ग्रेविटी यहाँ पर लगाई जाती है, एक दूसरे को खींचने का प्रयास किया जाता है, और आप जानते हैं कि जो इसमें भारी होगा वो दूसरे हल्के वाले को अपनी ओर खींच लेगा। तो दोनों की ग्रेविटी आपस में खींचतान करती है और एक जगह बैलेंस क्रिएट हो जाता है, यहीं पर बनते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। और इसमें से जो पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है, कई होते हैं, इनकी जो मात्रा है वो कई होती है, तो उसमें से जो पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है वहाँ पर इस आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। वहाँ पर ये रहकर सन के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करेगा और उसके सरफेस का पूरा अध्ययन करेगा, उसकी स्टडी करेगा, और जो रिपोर्ट है वो इसरो तक भेजेगा, उससे हम फायदा उठाएंगे। ये कुछ मिशन था। अब ये जो मिशन है, इस तरह की कोशिश नासा भी करता है और करेगा। तो नासा का जो प्रपोजल है सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए, वो भी सन के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना चाहता है। अभी क्रोड के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सन इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला है कि अंदर घुसना या इसकी सतह पर उतरना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके एटमॉस्फेयर और इसके सरफेस के बारे में ही अभी हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक प्रपोजल दिया, इसका एक मिशन है जिसके जरिए सन के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया जाएगा, उसकी स्टडी की जाएगी। ये तो था सन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और इसमें अलग अलग जो स्पेस एजेंसीज हैं वो इंटरेस्ट लेती हैं और अपने अपने मिशन लॉन्च करती रहती हैं। इसमें से भारत का भी ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। देखिए, पूरा हो जाता है तो अच्छी बात है, पूरा ज़रूर होगा, लेकिन इस रेंज में, मतलब इस टाइम पीरियड में अगर कंप्लीट होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चलते हैं आगे। देखिए प्लैनेट्स के बारे में, जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। ये लाइटलेस सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं, इन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन का रिवॉल्यूशन, उसका चारों ओर परिक्रमा जो है वो वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में करते हैं। उनकी जो डायरेक्शन होती है चक्कर लगाने की वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। लेकिन इसमें कुछ जो है वो एक्सेप्शन है। कौन कौन है? तो वीनस है और यूरेनस है। ये दोनों जो प्लैनेट हैं ये उल्टा काम करते हैं। उल्टा मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। इनका जो रिवॉल्यूशन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब जो बाकी प्लैनेट है और इन दोनों के बीच में। ये बात हुई प्लैनेट्स की। और ये पूरी तरह से जो स्टार होते हैं, खास तौर पे यहाँ पे सन की बात की जा रही है तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे। सन के ये स्लेव होते हैं, उसकी ग्रेविटी में फंसे हुए सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ये तो थे प्लैनेट्स। यहाँ आप इस फिगर को देख रहे हैं, यहाँ पर सन बना हुआ है ये वाला, इसके बाद मरकरी से लेकर मार्स, ये जो रेंज है ये इनर प्लैनेट की है, और जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक ये जो रेंज है ये आउटर प्लैनेट्स की है। दो कैटेगरी में जो प्लैनेट्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है। सन के सबसे जो नियरेस्ट है वो कौन है? मरकरी है, यानी बुध है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर वीनस है,
जिसके बारे में हमने देखा वो उल्टा रिवॉल्यूशन कर रहा था। सबसे नज़दीक मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद हमारी अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आती है, और उसके बाद है मार्स। सबसे बड़ा इसमें जुपिटर है, जिसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टार लाइक है। इसमें प्लैनेट की भी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और स्टार की भी पाई जाती हैं। इसका अपना एक सिस्टम है, मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का सिस्टम है, जिसकी वजह से ये अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने में सक्षम है। इसकी जो संरचना है उसमें गैसियस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, गैसों की उपस्थिति ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्टार के जैसे व्यवहार करता है। और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का। इसके बाद सैटर्न है, इसके चारों ओर रिंग्स पाई जाती हैं। इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, 7 रिंग्स होती हैं। सैटर्न के बाद यूरेनस आता है, और यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। नेपच्यून के बाद प्लूटो था, तो प्लूटो को हमने बाहर कर दिया, तो अभी बचे हैं 8, जिसमें से कि कुछ जो है वो इनर है और कुछ जो है वो आउटर है। जो आउटर है वो सन से ज़्यादा दूरी पर है, उनकी जो दूरी है वो ज़्यादा है, और जो इनर है वो सन से नज़दीक है। और जो प्लैनेट जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, मतलब सन के जितना नियरेस्ट होगा, उसको सन का एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन करने में उतना ही कम समय लगेगा। तो सबसे कम जो समय लेता है चक्कर लगाने में वो बुध होता है, यानी मरकरी। इसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है वीनस को, और तीसरे नंबर पर हमारी अर्थ है, तो हमें थोड़ा और ज़्यादा समय लगता है। इसके बाद मार्स है। बाकी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो प्लैनेट्स हैं ये ज़्यादा समय लेंगे एक पूरा चक्कर लगाने में। आप देख रहे हैं रास्ता वैसे भी बड़ा हो जा रहा है। अगर मरकरी से हम इस पथ को बनाएं तो ये छोटा सा बनेगा, अगर फिर वीनस से बनाएं तो थोड़ा और बड़ा बनेगा। ऐसे ही इसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसकी जो रेडियस है, इसका जो डायामीटर है इस पथ का, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा पथ होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इस तरीके से। और टेम्परेचर का भी यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी आधार पर किया जाता है, जो सन के ज़्यादा नज़दीक प्लैनेट हैं, नियरेस्ट हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आती जाएगी, वो डिक्रीज़ होगा। तो जो बाद वाले प्लैनेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि सन से उनकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक हमने सन और उसके प्लैनेट्स को देखा। अब इन्हीं की डिटेल में जो चर्चा है वो अगले लेक्चर में होगी। एक चीज़ और यहाँ बच गई है, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि सन बड़ा है और उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की तुलना में, तो वह उसकी ग्रेविटी में फंस गई हैं और मजबूर हो गई हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। ठीक वही चीज़ प्लैनेट्स के साथ भी होती है। जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी एक ग्रेविटी होती है, और वो भी दूसरे को फंसा लेते हैं। जो अपने से छोटे साइज़ के एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उन्हें ये फांस लेते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि तुम मेरी सेवा में लगो, तुम मेरे स्लेव बनो। और इसलिए वो जो बेचारा छोटा वाला सेलेस्टियल बॉडी है वो इस बड़े वाले प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ और मून। अर्थ जो है वो बड़ी है और हमारा जो मून है वो छोटा है, तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये कुछ बातें हैं। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, तो ये जो सैटेलाइट होते हैं ये अपने प्लैनेट के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, और ये सन की भी परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर भी रिवॉल्यूशन करते हैं साथ साथ। दोनों चीज़ यहाँ पर चलती रहती है। आगे हम ये जो सोलर सिस्टम है इसे और डिटेल में देखेंगे। हम यहाँ पर प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है उसे अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे। पहले तो साइज़ के हिसाब से देखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग मास के हिसाब से देखेंगे। ये सारी चर्चा जो है वो अगले लेक्चर में होगी। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।